प्रातः क्लास चल रहा था 26 जुलाई 1964। बात चल रही थी जो सतयुग में होगा सो सतयुग में ही पुनर्जन्म लेगा, कोई ये नहीं कहा जाएगा कि लेफ्ट फॉर हेवनली अबोड अर्थात स्वर्ग पधारा, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। परंतु यहां कहते हैं क्योंकि स्वर्ग बहुत याद पड़ता है, बरसातें पड़ती आई है तो कायम ही है। जिसको बाप भी पतित कहते हैं ऐसे तो सतयुग में भी है। कुछ न कुछ आत्मा की कला नीचे जाती है, तो क्या वहां गंगा पापात्मा बन जाती है? नहीं, वहां तो गंगा पवित्र होती है। ऐसे मनुष्यों को बैठ करके समझाना चाहिए, तो अभी बच्चे समझ गए हैं कि सब बातों में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी देखो कुंभ का मेला लगने वाला है, इसके लिए बड़ी तैयारी करते हैं, मनुष्यों का करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, गवर्नमेंट का भी खर्चा बहुत है, उनको तो आमदनी भी होती है, और उनको खर्चा भी बहुत करना पड़ता है। तो देखो ये तीर्थ यात्राएं करते करते, पैसा खर्च करते करते, वेद पुरुषार्थ शास्त्र आदि वगैरह गुरु करते करते भारत कंगाल हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये बात बाप सिद्ध करके बतलाते हैं कि देखो भारत पहले कितना धनवान था और कितना अकलमंद था। अभी तो अकल के पिछाड़ी और ही गिरता जाता है। पहले देखो देवताओं की अकल, पीछे जब माया आती है तो ये गिरता ही जाता है। तो ये सच लिखते हैं ना कि भाई वेद ग्रंथ उपनिषद जो भी हैं हम उनका नाम नहीं लेते हैं। जैसे इस्लामियों का कुरान, क्रिश्चियंस की बाइबल, इस भारत ने तो अपनी ही सत्यानाश की है, इस भक्ति ने भारत की सत्यानाश कर दी, तभी तो भक्ति वाले याद करते हैं ना कि आओ हम पतितों को आकर के पावन करो।
तो भारतवासियों को समझाना चाहिए ना कि हम सभी पतित हैं। जो भी भारतवासी हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक सब पतित हैं, क्योंकि सारी दुनिया पतित है। जब पूरी दुनिया 100% पतित हो जाती है ड्रामा अनुसार, तो फिर 100% पावन बनते हैं। तुम लिख सकती हो इस भारत में ऑलमाइटी अथॉरिटी पवित्र राज्य हम स्थापन करते हैं। आप लोग डोंट वरी, यू आर डूइंग द टास्क। भारत में फिर से ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य स्थापन करने हम गुप्त रूप में सेवा कर रहे हैं। तो बड़े बड़े आदमियों को लिखो, इसमें तो अच्छा ही है ना, तुम अच्छा ही समझाते हो। देखो समझाए दिया है, ये जो भारत, ये भारतवासी भला समझेंगे ना कि हम क्या कर रहे थे। अभी हम गुप्त सेना ब्राह्मण कुल भूषण क्या कर रहे हैं। बरोबर हम अपने लिए याद बल से स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, बस ये याद तुमको अन्न देगी, अर्थात सतयुग में जाकर तुम अपने यहाँ स्वर्ग की दावत करेंगी और महल बनाएंगी। अच्छा बच्ची, टोली ले आओ, साहबों को बच्चे याद करते हैं ना। बाबा ने समझाया है, अभी तुमको साहब बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि साहब ने आकर के अपना परिचय दिया है। और तो कोई इतना प्यारा लग भी नहीं सकता। इन सर्वव्यापी वालों को क्या प्यारा लगेगा, इनको प्यारा लगना चाहिए। सबसे बुद्धि का प्यार हटाए करके हटाते ही जाना चाहिए और एक से जुटाना है। अभी मेहनत है, अगर विजयमाला में आना है तो मेहनत है। हमारी तो एक ही बात है, बाबा क्या कहते हैं। कोई बच्चे ने कहा, गोप अरे सच्चे साहब की सच्ची सजनी, और ये सजनियां कैसी होती हैं, उनको पति के याद के बगैर पर पुरुष का बुद्धि में ध्यान भी नहीं आता। 26/7/64 की वाणी का नौवां पेज। तो यहाँ भी ऐसे ही चाहिए, जो एकदम कोई भी पर पुरुष बुद्धि में ना आवे, कोई भी देहधारी की कोई याद ना आवे, सब भूलते जाना है और एक को पूरा याद करना है। ऐसी बच्ची नंबर 1, 2, 3 माला में पहुंच सकती है। टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा कह देते हैं याद रख देना। देखो बैठे बैठे मनुष्य कैसे मर जाते हैं,
हार्ट फेल हुआ, ये हुआ, एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अपना स्वराज्य ले लेना चाहिए, वर्षा ले लेना चाहिए। गोद ली है तो मदद भी मिलेगी, अगर गोद ना लेवे तो मदद कैसे मिले। सौतेले को मदद मिलेगी, माँ तेले को मदद करेंगे, सौतेले को थोड़े ही करेंगे। जो भी हैं अभी यहाँ देखो, कला नहीं है, हमारा रुख सनैया है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण कुलभूषण थी। रुखसत तो ब्राह्मण कुलभूषण भी न थी, तो बाबा को हरेक के ऊपर तरस पड़ता है। ये बच्ची अगर होती तो अपना वर्षा ले लेती। अभी देखो पुरुषार्थ करती है, समझती है बड़ी वीरांगना होनी पड़ेगी, इतनी वीरांगना होकर हम भाग नहीं सकती हैं। ये भी बाबा कहते हैं ये तो भूल है। बाबा कहते हैं घर बाहर छोड़ दो, बाबा तो नहीं कहते। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते याद में रहो, कमल फूल के समान पवित्र रहो। अभी सिर्फ वहां का जो मोह है, इसे पुरानी दुनिया पुराने शरीरों में इस मोह को तुम नष्ट करो, और एक के साथ मोह रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहते हैं फिर भले घर में बैठो, जहां भी बैठो, यहां भी आने की दरकार नहीं है, तुमको यहां आकर नहीं रहना है, रहना गृहस्थ व्यवहार में, बुढ़े हो जाओ तो भी गृहस्थ में। बाबा ऐसे नहीं कहते कि बानप्रस्थ होकर के सत्संग करो या किनारा करो, नहीं, यहां किनारा करने का तो है ही नहीं, अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा थोड़े ही कहते हैं कि किनारा करो, वो तो उनके लिए है कि घर छोड़ करके जाओ, बाबा तो नहीं कहते। बाबा तो कहते हैं बेहद के घर से बुद्धि का योग जोड़ो, ये छी छी दुनिया से योग तोड़ो, बहुत युक्ति बता सकते हैं। अगर सी मत लेते रहे तो तोड़ निभाना है दोनों ओर। बाबा कभी किसको नहीं कहेंगे घर बार छोड़ दो, बाबा वो और ही पसंद करते हैं, तो ला भी ऐसे कहता है, करेंगी बाबा का बनेंगी, फिर अपना हिसाब किताब बाबा से पूछ लेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, और अभी बाकी क्या है। 5-7 बरस भी ऐसे ही गिट गिट में चले तो भी ठीक है, आग लगेगी पीछे, बात मत पूछो, ये कम थोड़े ही है। इसलिए मजबूत बनने के लिए, फाउंडेशन पक्का करने के लिए बाबा से श्रीमत लेते रहो और स्वीट बाबा को याद करते रहो। मोस्ट बिलवेड स्वीट सैक्रीन, ऐसे ऐसे है, ऐसे मीठे माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिकीले लकी सितारों प्रति, ज्ञान सितारों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
देखो ये बाप दादा कंबाइंड है, ऐसे नहीं कहना सिर्फ है बाबा मुरली चलाते हैं, शिव पिता मुरली चलाते। अरे हम दोनों आपस में, तुमने सुना नहीं, तो ये ऐसे ही है, तो बाप दादा की और मम्मा की, इनकी कमाई भी चलती रहेगी, आप सबका भी सुधार होता रहेगा, बाबा की कमाई भी चल जाती है। ऐसे मत समझना कि नहीं चलेगी, ऐसे तो बच्चों में भी प्रवेश करके बाबा सर्विस करते रहते हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग, आज का रात्रि क्लास है छब्बीस सात चौसठ। बच्चे जानते हैं कि मीठी मीठी जगदम्बा आ रही है, क्योंकि उनका नाम ही है जगदम्बा सरस्वती। इनका नाम कोई सरस्वती तो नहीं है, ब्रह्मा का। इनका नाम कोई है नहीं वास्तव में, कहते हैं माता पिता, पिता का तो नाम है, माता का नाम ये नहीं हो सकता है, माता ही नहीं है, और न ही इनको कोई सरस्वती कह सकते हैं। कह सकते हैं नहीं, इसलिए जगदम्बा मम्मा निमित्त है। निमित्त है माना असली जगदम्बा फिर कौन हुई? क्योंकि मम्मा तो बीच में आई और बीच में चली गई, और सारे जगत की अम्बा तो आदि में भी होनी चाहिए, अंत में भी होनी चाहिए। तो अभी क्या विचार आता होगा बच्चों को, ये करें वो करें, है कोई विचार किसी का? किसी ने कहा किसको करें, हम तो सेंटर्स पर करते हैं, सेंटर पर करते हैं क्योंकि मुलाकात तो इस हाल में भी होगी। फिर बच्चे भले ख्याल करें, पीछे बतावे या कल भी बता सकते हैं। कोई बच्ची ने कहा जिनों जिनों को इच्छा हो तो अभी भी सुना ही सकते हैं, बोल दे में तो अच्छा है, कोई प्रकार की सेल्वेशन की जरूरत हो तो बताए दे में। मम्मा रोज आकर के कचहरी भी करेगी, बाबा कचहरी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? चाहे इस समय कोई झूठ बोले तो और ही सौ गुना दंड पड़ जावे। बम्मा पूछेगी और अगर झूठ भी बोल दिया तो भी सौ गुना दंड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मम्मा है ना। बाबा में तो शिव बाबा है, तो ये तो बाप पूछते हैं, एक राइट हैंड में है बाप,
दूसरे लेफ्ट हैंड में धर्मराज। कचहरी तो वो ही आकर के करेगी, बच्चों की कोई राय हो, किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया हो तो बाबा उनको करेक्ट कर देंगे। आपस में कोई बात निकाली है, कोई ने कहा ऐसे तो नहीं मिली है कोई, क्योंकि मम्मा के ऊपर बच्चों का प्यार तो बहुत है। जैसे अंदर जाती है तो बच्चों को फूल दिए जाते हैं, तो उनके ऊपर नंबरवार बच्चे बरसा करते जाते हैं। जो भी बच्चे होते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, वो मम्मा के ऊपर बरसा करते जाते हैं। आगे ये करते थे, कोई बच्ची ने कहा हाँ, इसका मतलब है गेट से लेकर के यहाँ तक लाइन लगाते होंगे। बाबा ने कहा नहीं, मैं गेट की तरफ में कुछ भी झंडे वंडे नहीं लगाता हूँ, न लगाने दूंगा। ये फिर कभी किया नहीं है, न करेंगे, क्योंकि हम तो गुप्त हैं। कोई भी महिमा करनी है तो अंदर बाहर, बाहर नहीं, अंदर करो। जब तक बैठे लाइन कर देंगे, यहां से दो लाइन शुरू होवे और यहां से दो लाइन आवे, बस वो निकलती जावे आकर के बैठे। बच्ची ने कहा यहां से आकर के सामने आवे, हाँ फूल वूल चढ़ाना हो तो अंदर, फूल भी यहां अंदर पड़े होंगे, अच्छी शोभा देंगे तो ठीक रहेगी। मोटर को आकर के यहां खड़ा कर देंगे, थोड़ा हाथ मुंह धोएगी या क्या करेगी, ऐसे करती तो नहीं है। कोई बच्चे ने कहा वो तो सीधी आती है क्लास में, कल दूध की टोली बनाई देंगे। हाँ दूध के पेड़े होते हैं ना, और कोई फल फूल तो है ही अपने पास। बच्चे ने पूछा गीत, हाँ वो कोई सुंदर गीत हो, वो तो शायद इसमें भी है, यहाँ तुम बच्चों को बैठ करके गाना है और भले गाओ। गाने के लिए तो सिर्फ बूढ़ ही जाती है और ये शिवरतन जाएंगे। कोई बच्चे ने कहा विश्व किशोर बाबू वो तो जाएंगे, वो तो जाने के हैं ही, वो कहाँ बैठा है। अच्छा फिर आना होता है, जितनी गुप्त है इतना अच्छा है, क्योंकि नासुरी संप्रदाय की ये जो रस्म रिवाज है उनसे हमको वास्तव में कोई भी रिपीट या कॉपी नहीं करना है। भले ये कहाँ कहाँ प्रभात फेरी निकालते हैं, परंतु बाबा के दिल पर वो भी नहीं चढ़ती है, क्योंकि ये भी हंगामा। आसुरी दुनिया कोई वक्त में कुछ पत्थर फेंक देंगे, कोई ऐसा एंटी हो तो नुकसान कर दे भी, वो भी नहीं। हाँ सर्विस तो बहुत अच्छी कर सकते हैं, बाबा ने तो बहुत समझाया है कि लक्ष्मी नारायण के बड़े बड़े चित्र निकालने चाहिए,
26:7-64 की वाणी का दूसरा भेद है तो लक्ष्मी नारायण के छोटे छोटे चित्र निकले हैं। शमशान में जाओ और वहां जाकर के समझाना पड़े कि भाई कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, फिर ये स्वर्ग किसको कहा जाता है, जाकर के कुछ समझावे भाषण करें तो भी कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बकवाद नहीं कहेंगे। प्रभात फेरी में हमेशा डर रहता है कोई पत्थर न फेंक देवे, कोई चंचलता न करे, कोई का सामना नहीं करना है कि आर्य समाज जी कहते हैं वो करते हैं तो हम भी जाकर के सामना करें, नहीं वो भी नहीं करना है। हमें किसी का सामना नहीं करना है, इसलिए ही विकार के कारण विघ्न बहुत पड़ते हैं। विघ्न पड़ते हैं जहां तहां गरीबों में, साहूकारों में, गरीबी में तो चल जाता है, साहूकार तो बड़े बिगड़ते हैं कि वो धनवान है ना। देखो तो ये मालूम है ही नहीं कि अभी पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, मांगते भी हैं, चाहते भी हैं कि नई दुनिया, नया भारत। अभी मुश्किलात है कि नए भारत में सभी निर्विकारी थे, ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि कृष्ण जो पहला प्रिंस है, पहला बच्चा है सतयुग का, उनके लिए ही इतनी बकवाद लिख दी है। बोलते हैं ये तो परंपरा से चलते आ रहे हैं, इतनी कृष्ण की जीवी महिमा करते हैं, कोई की बुद्धि में तो बैठता नहीं है। छेने पड़े हुए हैं जैसे कि गोबर भरा हुआ है, अंदर में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है ही, जिस हिसाब की बुद्धि में गोबर भर गया। तो बच्चों को बड़ी युक्ति से, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां साफ तो एक रस नहीं है, कई कई तो बहुत डिस्ट्रेक्शन भी कर देती है, ज्ञान पूरा ना होने के कारण कोई अच्छा आदमी आए भी और उनको प्रश्न उत्तर का जवाब न दे सके तो वो कहेगा कि वाह ये ब्रह्मा कुमारी है, चलो सांप के ऊपर कलंक लग जाता है। राजधानी स्थापन करने में डिफिकल्टी बहुत है, क्योंकि ऐसे कोई जानते नहीं है कि बाप आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। राजयोग को भी ले गए, राजयोग को कृष्ण के हाथ में दे दिया और कृष्ण को द्वापर में ले गए। अभी तो तुम्हारी साफ बातें नहीं है, नई दुनिया के लिए तो नई बातें ही होंगी। अरे द्वापर में कृष्ण कहां से आया, 16 कला संपूर्ण तो सतयुग में होते हैं, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में तो 8 कलाएं रह जाती हैं, तो कृष्ण द्वापर के अंत में कहां से आ गया 16 कला संपूर्ण। अभी ऐसे भी नहीं है कि हम कोई नई बातें बताते हैं, शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला और कलयुग 9 कला। और ये राजयोग की बात तो बहुत पुरानी है, परंतु नाम टाम सब बिगाड़ दिया है, तो इसलिए वो बिगड़ते हैं, क्योंकि उनके शिष्य उनकी कमाई चली जाएगी ना,
शिष्य भी भाग जाएंगे, क्योंकि जितना उनको ये निश्चय होता है, कितना बच्चे जानते हैं कि ये जो विद्वान आचार्य गुरु हैं, उनको तुम लोग बुद्धू कह देते हो, मूर्ख, करप्टिव, अडल्ट्रेटिव, मिलावटी है। देखो जिनका इतना सारा मान है, अभी भी देखो अखबारों में पढ़ते हैं साधु समाज का नाम आता है ना, साधु समाज को इकट्ठा करते हैं कि फलाने में ये जो एडल्ट्रेशन है, इस एडल्ट्रेशन को निकालने में ये मदद करें। अभी ये क्या मदद करेंगे, ये तो खुद ही करप्टेड है। बाबा ने उस दिन कहा था कि जब ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट को ये मदद करेंगे, तो पहले पहले कोई होवे जो तीखा बोले, नंबर वन अडल्ट्रेटिव और करप्ट ये साधु समाज है। समाज में तो सब आ जाते हैं ना, परंतु ऐसा अभी कोई निकला नहीं है। निकले तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि उनको करेक्ट तो जरूर करना ही है। न कोई ऐसा अच्छा निकला है जिनकी आवाज कोई अच्छी तरह से सुन सके। देखो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी लिखवाया था कि भाई ये संस्था बड़ी पवित्र बनाने वाली है। मालूम है जयपुर में भी एक मिनिस्टर निकला था, उसने भी लिखा था, कहा था इनकी संस्था बड़ी पवित्रता स्थापन करने वाली है। जब कोई बड़ा विद्वान निकले, भले वो दूसरे धर्म का होवे या कोई भी बड़ा होवे जिसके बहुत फॉलोअर्स हों, वो जब कहे, दो तीन और भी निकले, तब तुम्हारा प्रभाव बढ़े। 26/7/64 की वाणी का तीसरा भी बढ़ना तो जरूर है, परंतु अभी तलक जैसे बाप कहते हैं कि गुप्ता जी वहां बनारस में गए हैं, जहां से ये टाइटल मिलते हैं, अभी तक शायद ड्रामा में देरी है प्रभाव निकलने में, तो उनका बाण भी फालतू जाता है। किसको लगता ही नहीं है, घड़ी घड़ी सेवा करते रहते हैं, फिर लौट आते, फिर भी आखिर में तो नाम निकलेगा ना। बच्चों को ये तो समझना ही चाहिए कि बीती से बीती, बस इस समय तक राजधानी स्थापन होनी थी, अभी भी आगे सारी राजधानी होती जाएगी। तो जो बीता वो एक्यूरेट ड्रामा बीता, फिर उनमें कुछ भी हुआ, जो कुछ भी विघ्न पड़े अथवा कोई खुशी भी निकली, बस कहेंगे ड्रामा अनुसार ही था जो पास्ट हुआ। इसमें भी सबका एक अच्छा निश्चय होना चाहिए। निश्चय बिठाते हुए भी फिर भी वो कोई कोई बात में निश्चय से संशय में आ जाते हैं, कान का माया का कोई न कोई बाण ऐसा लग जाता है जो संशय बुद्धि बन जाते हैं। तो एक तरफ में ईश्वर का बाण, दूसरी तरफ में माया का बाण, ये लड़ाई है। तो बरोबर चलते चलते अच्छा भी समझते हैं, फिर भी माया का बाण ऐसा लगता है जो कोई न कोई बात में संशय बुद्धि बन जाते हैं। ये वंडरफुल बाबा है, बच्चे भी वंडरफुल हैं। बच्चे गुप्त वेश में स्थापना कर रहे हैं, बाप भी गुप्त, बच्चे भी गुप्त, बरोबर तुम देहधारी हो,
परंतु फिर भी गुप्त हो। बाबा ने कल भी समझाया था कि तुम कोई के ऊपर लड़ाई थोड़े ही करते हो, जो विजय का नाम लेते हो। ये जरूर है कि पांडव विजय पाते हैं, पर वो कैसे विजय पाते हैं? अगर पांडव विजय पावे तो फिर कौरव पांडवों की लड़ाई सिद्ध हो जाती है। इसलिए ये विजय का अक्षर भी हम नहीं ले सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि निश्चय बुद्धि वैजयंती माला में तुम पिरोए जाएंगे, ये ठीक है। हंगामा वगैरह भी ठीक नहीं चलता है, क्योंकि तुम गुप्त सर्विस करते रहो। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर वालों को कोई जिस्मानी तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं तो भी आपस में मित्र संबंधी बिरादरी वाले मिल करके चले जाते हैं। तुम भी यहाँ आते हो दिल्ली से इसी यात्रा पर, तो देखो बहुत ही अपने मित्र संबंधी फलाने फलाने कहते हम भी चले हम भी चले, दिल हो जाती है कि बाबा के पास चले। ये यात्रा है या बाप के पास आने की यात्रा है, क्योंकि आने से बाप भी फिर वो यात्रा सिखलाते हैं। तुम्हारी परमधाम की यात्रा है ना, क्योंकि सन्मुख कहने से वो लगता है। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं, बच्चे अभी नाटक पूरा होता है, अभी वापस चलना है आत्माओं के धाम में। मैं आया हूँ तुम बच्चों को गाइड करने के लिए, और माया के पांच विकारों से जंजीरों से छुड़ाने आया हूँ। तो देखो लिबरेटर भी है, गाइड भी है, पंडा भी है, ये अक्षर तो गाए जाते हैं ना बरोबर, फिर सैलवेज भी करते हैं। बेड़ा डूबा हुआ है तो जैसे कि तुम बच्चे मिलकर के इस भारत को सैलवेज करते हो, क्योंकि बेड़ा डूबा हुआ है ना। देखो कैसी युक्ति है बेड़ा पार करने के लिए, ये बुढ़िया भारत का बेड़ा पार करने के लिए कैसी कैसी ये बच्चियां हैं। देखो म्यूजिक बजा, ये बच्चियां हिरी हुई हैं भक्ति में गीत गाने के लिए, भक्ति में गाते रहते हैं ना। ज्ञान में तो गीतों की दरकार ही नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति की जो कुछ रस्म रिवाज है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो चुप होकर के बैठना है। भले यहाँ अनपढ़ है तो भी चुप। अच्छा, माता पिता और बाप दादा का मीठे मीठे सिकिले ज्ञान सितारों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। अब्बल नंबर में पास होने वाले होते हैं या पास विद आनर होते हैं उनका नाम अखबार में पहले निकलता है या फेल होने वालों का निकलता है? है? उनका निकलेगा, नंबर वार होंगी सब, पता लग जाएगा कौन कौन सा पद पाने वाले हैं, कौन सी माला में आने वाले हैं,
कौन से ग्रुप में आने वाले हैं अथवा कौन से धर्म की माला में जाने वाले हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला था, ऐसे नहीं समझो माला एक ही है या दो ही मालाएं हैं, रुद्रमाला विजय माला है, बाबा और भी मालाएं बना देंगे, तो वो सब एक धर्म की मालाएं होंगी या अनेक धर्मों की मालाएं होंगी, हैं? अनेक धर्मों की मालाएं, और उन मालाओं में ऊंचा ऊंचा, नीचा नीचा, दायां या बायां पद पाने वाले भी होंगे, लेकिन वो डिक्लेयर तब होंगे जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। ऐसे नहीं कि हमने मंथन कर लिया और अपना पद अपने अंदर डिक्लेयर कर दिया और हमारा वो ही पद निश्चित हो जाएगा, नहीं, परीक्षा होगी। अरे पहले नंबर की भी परीक्षा होगी या नहीं होगी, हैं? पहले नंबर की भी परीक्षा होगी और जो नंबर आ रहे हैं उनकी भी परीक्षा होगी, तब पता चलेगा कि कौन किस नंबर में आने वाले हैं, पास होने वाले हैं और कौन कौन फेलियर पुरुषार्थी है। और परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा, परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा, परीक्षा सदाकाल की होती है या अल्पकाल की होती है? अरे ज्यादा से ज्यादा महीने दो महीना परीक्षाएं चलती है, बहुत हद में हद तीन महीने तक परीक्षा चल जाती है या सारी जिंदगी परीक्षा चलती है, फाइनल है। फाइनल परीक्षा सदाकाल की नहीं होती है। और बाप का लाश भी गुम कर दिया। जो विभीषण बनते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, भीषण होते हैं, या बाहर वाले ज्यादा विभीषण होते हैं, ज्यादा खतरनाक कौन होते हैं? तो वो अंदर वालों की बात है, जिन्होंने धोबी घाट की बात को बाहर की दुनिया में फैला दिया। इसलिए आज वो ही दीदी दादियां जो प्रजापिता के बारे में 73-76 से पहले बोल बोल करके पूरी सभा में प्रजापिता का नाम बोलती थी, पीहू का नाम बोलती थी, बाद में उन्होंने नाम लेना भी बंद कर दिया। और जानकी दादी पक्ष में बात कर रही है, भागीदार के पक्ष में बात कर रही थी जानकी दादी, हाँ, पर दिखा देते ना, तो भागीदार मैनेजर था, बाद में भागीदार बन गया, मैंने आपको भी देखा है, ऐसा ऐसा पक्ष में बात कर, लेकिन उन्होंने चैनल बंद कर दिया, हाँ, एडवर्टीजमेंट लगाया, बाद में वो क्लास ही बंद कर दिया, हाँ, मैं इससे लगता है कि वो फेवर में है, फेवर में है, हाँ, क्यों? तो ऐसी बात कर रही थी भागीदार के बारे में, पहले बात करती थी, अब क्यों बंद कर दिया? उन्होंने चैनल बंद किया, उनका क्लास बंद कर दिया। किसका क्लास बंद कर दिया? ब्रह्मा कुमारी बीके चैनल आता है, दिखा रहे हैं बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, वो तो बंद करेंगे ही, हाँ। दूसरे टाइटल में कहा भयंकर 5 बजे दूसरे टाइटल ब्रह्मा को दिया गया, अब आप बताइए धर्मराज कौन है? सबसे ज्यादा सहन किसने किया है?
और सबसे ज्यादा प्यार किसने किया है, इस दुनिया के अंदर कौन सा व्यक्तित्व है जिसने सबसे जास्ती प्यार दिया? ब्रह्मा बाबा ने। और बच्चों ने, गारंटी है कि बच्चों ने उसे प्यार का रिस्पॉन्ड प्यार से ही दिया है, बाबा को रुलाया नहीं है, गारंटी है, हैं? बोलो, रुलाया। तो जिन बच्चों ने रुलाया है, ब्रह्मा जैसी आत्मा को भी रुलाया, उन बच्चों का कभी हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, हैं? लिया जाएगा। और हिसाब किताब लेने वाला निमित्त कौन बनेगा? जिसके साथ हिसाब किताब हुआ है वो ही निमित्त बनेगा, या कोई दूसरा निमित्त बनेगा? वो ही निमित्त बनता है धर्मराज बन करके। लेकिन बाबा, वो फिर भी आधार की दुनिया का आत्मा है, भी ऊंची जो आत्मा है, किससे भी ऊंची जो आत्मा है, किससे ऊंची? ब्रह्मा से भी ऊंची आत्मा। कौन? ब्रह्मा का बाप राम वाली आत्मा। ब्रह्मा का बाप राम वाली आत्मा? अरे तुमको मुरली में ये सुनाया नहीं जाता है कि बच्चे बाप को भी मात देते हैं? औरंगजेब ने क्या किया? हैं? बोलो, हैं? जेल में डलवा दिया अपने बाप को। ये शूटिंग कहाँ होती है और इस शूटिंग का फाउंडर कौन है? क्रिश्चियंस में और इस्लामियों में, मुसलमानों में जो जो होता रहा हिंदुओं के बरखिलाफ, उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? उस फाउंडेशन का मूल निमित्त कौन बनता है? हाँ, ब्रह्मा की गोद में ये सब धर्म वाले असुर पलते हैं। शास्त्रों में भी यही बात दिखाई गई है। असुरों ने किससे वरदान लिए? ब्रह्मा से वरदान लिए। ब्रह्मा सभी असुरों को वरदान देता है, विष्णु कोई भी असुर को वरदान नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ देव आत्माओं को ही सपोर्ट करता है। और शंकर क्यों भाई, वो दोनों को क्यों सपोर्ट करता दिखाया गया है? क्योंकि बाप का बच्चा कुपत्ता हो या बाप का बच्चा अच्छा हो, जिम्मेवारी किसकी है? बाप की है। बाप की जिम्मेवारी है बुरे को अच्छा बनाने की। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के असुर बन जाते हैं, वो ब्राह्मण भी यहाँ बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं? यहाँ ही बैठे हुए, आधार मूर्त में भी बैठे हुए थे। फर्क इतना है कि आधार मूर्त में जो विदेशी विधर्मी बैठे हुए थे, उनको ब्रह्मा की गोद ने पूरा आसरा दिया, और अब तक भी उनको आसरा मिल रहा है। और यहाँ एडवांस में ऐसा है नहीं है ऐसा, क्योंकि इसके लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति के चित्र में लूज बैठक किसकी दिखाई है और स्ट्रिक्ट बैठक किसकी दिखाई है? हैं? शंकर को स्ट्रिक्ट रूप में बैठा हुआ दिखाया गया, इसे क्या साबित होता है? हैं? बाप जो है स्ट्रिक्ट होता है। बाप से बच्चे डरते हैं या माँ से डरते हैं? बाप से डरते हैं, माँ से डरते नहीं है। माँ को अपने प्रभाव से चलाते हैं, आसुरी बच्चे भी चलाते हैं। और आज भी देख लो, खासकर भारत के घर घर में देखो, कितनी परसेंटेज में ऐसी माताएं हैं जिनके पति ने शरीर छोड़ दिया, और उन माताओं को कौन अपनी मुट्ठी में रखते हैं? उन बच्चों ने किसको फॉलो किया?
ये परंपरा डालने वाला मूल व्यक्ति कौन है? कौन है? है? क्यों? क्यों? ब्रह्मा बाबा तो बहुत प्यार करते थे, हैं? करते थे प्यार, लेकिन अभी वही आत्मा अज्ञानी होने के कारण, बाप को न जानने के कारण, अभी वही ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा गीता का भगवान बनी बैठी है, गीता पति बनी बैठी है, या गीता का बच्चा बन के रहती है? हैं? बच्चा बन के रहती है? हैं? हाँ, वही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा के ऊपर सवारी करती है। माता के ऊपर कौन सवारी करता है? बच्चा? बच्चा करता है? कौन करता है? हैं? अरे बोलो ने, प्रश्न बड़े उमंग उल्लास से करते हो तो जवाब भी दो ना। बाप, बाप हैं? बाप सवारी करता है, वो जायज बात है, वो नाजायज बात नहीं है, बेकायदे बात नहीं है। और बच्चा अगर सवार हो जाए और अपने कंट्रोल में चलाने लगे, अपनी मनमत पर चलाने लगे माँ को, तो वो आसुरी बच्चा है या देवात्मा है? तो अभी क्या हो रहा है? अभी फाउंडेशन कौन डाल रहा है इस बात का कि आज घर घर में माताओं को बच्चे कंट्रोल कर रहे हैं? गीता माता के गीता पति भगवान बन के बैठे हुए हैं घर घर में, है? अरे इतनी भारी गलती हो गई है और रौद्र रूप हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। शिव को रुद्र अथवा सोमनाथ कह सकते हैं क्या? रुद्र अथवा सोमनाथ कह सकते हैं। हाँ, वो तो शिव को कह सकते हैं। जो रुद्र पाठ यहाँ पर जो बताया जा रहा है, रुद्र जो है, रुद्र भयंकर को कहा जाता है, आतंकवादी को कहा जाता है। अरे बोलो ना, अरे आतंकवादी को क्या कहा जाता है? भयंकर कहा जाता है। तो बड़े से बड़ा आतंकवादी है ब्रह्मा कुमारिया, तुमको आतंकवादी कहती है। ओम शांति।